केंद्र का कानून है उसके तहत कई सारी संगठनों पे बंदी पाबंदी लगती है। आरएसएस पे एक बार लगी थी, उसके बाद कुछ और सिविल जैसी संस्था पे लगी थी। उसी कानून के तहत सनातन संस्था पे पाबंदी लगाई जाए, पूरे राज्य पर बैन लगाया जाए, ऐसी मांग हमने अप्रैल 2011 में की थी, जब मैंने आपको बताया। अब वो उसका निर्णय लेना केंद्र सरकार के हाथ में होता है, सभी राज्यों से जानकारी दी जाती है और यह लंबी प्रक्रिया है। तो यह केंद्र सरकार का अधिकार है, वो अंतिम निर्णय ना ले। लेकिन मेरे कार्यकाल में अंतिम निर्णय नहीं हुआ था, जिसे आज हम मांग कर रहे हैं कि नए महाराष्ट्र सरकार की इस बारे में क्या भूमिका है, नए केंद्र सरकार की इस बारे में क्या भूमिका है, क्या इस संगठन में पाबंदी लगाने की कोई पहल होगी, कोई मंशा है सरकार की, इसका स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं आया। आपका क्या कहना है, पाबंदी लगानी चाहिए? हमने तो मांग की थी, हमने महाराष्ट्र सरकार ने अधिकृत तरीके से मांग की थी, हमारा कहना है कोई बात ही नहीं।